राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी भाई की फैमिली को। सुबह सुबह का टाइम है और मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है गांव। तो मैंने देखा कि मैं फटाफट से क्या बना सकती हूँ। तो मैं ना अधिकतर हमारी जो फ्रिज में आलू उबले रखे रहते हैं, दो कभी तीन कभी चार, मतलब जैसे मैं किसी भी चीज़ के लिए जब उबालती हूँ, किसी भी सब्जी के लिए या किसी भी रेसिपी के लिए, तो मैं दो तीन आलू हमेशा एक्स्ट्रा उबालती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसा आप भी करके देखिएगा। ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी शाम के टाइम जैसे सब्जी आपका बनाने का मन नहीं हो रहा है और सब्जी थोड़ी है या ज़रूरत है आपको बनाने की, तो आप फटाफट से आलू निकालो और उनसे कुछ भी बना सकते हो फटाफट से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सुबह सुबह ऐसा कुछ मतलब रीजन हो गया जो आपको फटाफट से नाश्ता चाहिए, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। या फिर अचानक से आपके यहाँ खाना पीना हो चुका है, रात को सारा मतलब काम फिनिश हो चुका है और अचानक से कोई आ गया, मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ गया, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा रखती हूँ, तो उन्हीं को मैंने फटाफट से छीला और बस ऐसे ही बिना लहसुन प्याज के फटाफट से मैंने उनको छौंक दिया। सबसे पहले उनको छीला और पानी में डाल दिया, पानी सोक कर दिया पानी में, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमने ऑयल गर्म किया, जीरा ऐड किया, हरी मिर्च ऐड की और बस आलू को ऐड कर दिया, नमक मिर्च वगैरह डाल दिया, गर्म मसाला डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। उबले हुए तो हैं ही हमारे आलू, अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और हमारी टेस्टी सी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो सब्जी हमारी बन चुकी है। उसके बाद हम बनाएंगे थोड़ा सा रायता। गर्मियों के दिन में ना हमारे यहाँ रायता बहुत पसंद किया जाता है और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे यहाँ रायता बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मौसम जो है ना ठंडा है थोड़ा, अभी किसी और बर्तन में हम जमाते हैं, दही तो अच्छे से जमता नहीं है, तो मैं अभी कैसरोल में जमाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया है और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा रायता मसाला डाल के और थोड़ी सी बूंदी को धुल के डाल देंगे, हमारा रायता बनके रेडी हो गया है। वैसे मैं थोड़ा सा बाद में तड़का लगाती हूँ हींग जीरे से, लेकिन टाइम थोड़ा कम था, थोड़ी व्यस्तता थी और जाना था मुझे, तो टाइमिंग की कमी थी थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे ही भुना जीरा वगैरह सब डाल के और ऐसे ही कंप्लीट कर दिया। और गर्मियों में पुदीना भी डालो आप इसमें तो फ़ायदेमंद भी होता है, प्लस टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं पुदीना पाउडर मंगा के रखूँगी या फिर मैं घर में बना लेती हूँ पुदीना मंगा के और उसको अच्छे से साफ करके धुल के मैं बना लेती हूँ पाउडर। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और गांव जाती हूँ तो मैं पहनती हूँ साड़ी, तो लेकिन मैंने सोचा कि बाइक पे जाऊँगी तो रास्ते में ठंड लगेगी, तो मैंने स्वेटर भी पहन लिया है और खाना भी खा लिया, पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, बस निकल रही हूँ। फेस रैप करूँगी क्योंकि अगर मैं फेस रैप नहीं करती हूँ ना तो मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हवा लगती है ना, हवा धूप, तो फेस रैप करके फिर मैं चश्मा लगा लेती हूँ तो कम होती है, लेकिन दिक्कत तो होती है आँखों में फिर भी मुझे, लेकिन हाँ कम होती है। और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ वापस आने के बाद, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो देखिए आप लोग सोचेंगे कि कपड़े तो वही पहने सुबह वाले, जी हाँ मैं नहाई थी तो धुल के डाल गई थी। इसका रीज़न क्या है कि ये कुर्ती जो है ना इनर वाली है, इसमें सॉरी क्या बोलते हैं लाइनिंग वाली है, इसमें लाइनिंग लगी हुई है, तो क्या है ना इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो मैं सोचती हूँ इसको जितना पहन पाओ अभी पहन लो, तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको मैं पहन लेती हूँ। तो मैंने चाय पी, एक पराठा भी खाया है पहले एक पराठा खाया और फिर मैंने चाय पी। सूरज बाहर गया हुआ था तो वो भी आ चुका है हमारे पीछे, मुझे पता था तो मैं उसके लिए खाना बना के रख के गई थी। तो मैंने चाय को छाना और चाय को एंजॉय किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी। Photo. Don't forget the way you look me.
keep you in my heart, in my heart. चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर लेट लेती हूँ और थकान हो गई है, तो जैसे ही लेटी वैसे ही मम्मी की कॉल आ गई कि आज दौज है, तो फूल पड़ते हैं ना जिसको फुलारा दौज बोलते हैं, तो आज फुलारा दौज है, तो आज से स्टार्टिंग हो जाती है जो हमारी जगह होती है खुली, वहाँ पे चौक बनाना और उसके ऊपर फूल डालना। तो मैं फटाफट से उठी और छत पे गई, फूल तोड़ के ले आई। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं सो जाऊं, वैसे तो ऐसे मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन फिर मैंने मतलब शायद मैंने कहा थकी हूं तो शायद सो जाऊं तो कहीं अंधेरा हो जाए। कहते हैं ना कि अंधेरा हो जाए तो फूल नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब पौधों को नहीं छूना चाहिए। तो मैं दौड़ी दौड़ी गई, फूल लेके आई छत से, और जैसे ही मैं फूल लेके आई वैसे ही लाइट चली गई। और हमारा आजकल जो है इन्वर्टर खराब चल रहा है। खराब क्या मतलब, बैटरी उसकी खराब हो गई है। तो सर्दियों में मैंने मन से नहीं रखवाई थी, क्योंकि आपको जिस डेट में वो देते हैं तो जो गारंटी होती है ना उसी डेट से उनकी शुरू हो जाती है, वो जो टाइमिंग होती है। तो मैंने सोचा सर्दियों में तो आराम से गुजर हो रही है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा जब मौसम वैसा हो गर्म हो तब हम लें। तो गर्मियों में बिल्कुल काम नहीं चलता है ना, बिल्कुल भी पंखे वगैरह के बिना। तो अभी हमने कहा चल रहा है तो चल रहा है, तो इस वजह से नहीं ली थी। तो अब सर्दी जो है चली गई है, जा रही है, तो अब लेके आएंगे एक दो दिन में। आजकल इतना ज़्यादा मैं बिजी चल रही हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, ना तो मैं होली का कुछ काम कर पा रही हूँ, कोई क्लीनिंग नहीं कुछ नहीं। तो चलिए अब लाइट चली गई थी तो काफ़ी देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है अब तो चलिए पहले चौक बना देते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं खाना। तो ये ले लिया मैंने आटा और ये ले लिया चमचा। मैंने इसी तरीके से बनाते हुए देखा है पहले, तो मैं वैसे ही बना देती हूँ मैं भी, और चलते हैं चौक बनाने। और चौक हमारा बन चुका है। उसके बाद मैंने बनाई थोड़ी सी मूंग दाल, क्योंकि थोड़ी सी सुबह वाली ही सब्जी रखी थी, और उसके बाद थोड़ी सी मूंग दाल बनाई और बनाई थोड़ी सी रोटी। रोटी भी मैंने केवल सूरज के लिए बनाई, अपने लिए नहीं बनाई मैं, क्योंकि पराठा रखा हुआ था एक, तो मैंने वही खाया, क्योंकि सुबह मैं खा के गई थी, उसके बाद आके मैंने भी मतलब खा लिया था, पराठा भी खा लिया था, चाय नाश्ता भी अच्छे से कर लिया था, तो भूख नहीं थी। फिर थोड़ा सा दूध भी लूँगी, तो फिर मैंने बस थोड़ी सी रोज सूरज के लिए रोटी बनाई थी, और मैंने हाँ दाल पी थी थोड़ी सी और एक पराठा खाया था। उसके बाद ये है हमारी किचन के कपड़े, किचन के नहीं है मतलब रोटी वाले हैं जिस मैं रोटी रखती हूँ मैं, वो हैं। तो मैं ना इनको कभी कपड़ों वपड़ों के साथ नहीं धुलती हूँ किसी के, इनको मैं अलग से ही किचन में हमेशा धुलती हूँ। तो इनको मैं धो रही थी। दूध आ गया, इधर दूध रख दिया छान के गर्म होने, तो हो चुका है बॉयल। पड़ोस में एक लोगों के बेटा हुआ है, तो वहाँ से लड्डू आए थे, तीन नहीं आए थे, चार आए थे, एक मैंने खा लिया है। दाल बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। रोटी भी मैंने सूरज के लिए बना के रख दी, और अब बस अपने लिए लगा लिया खाना, जो भी मुझे खाना था थोड़ा बहुत, थोड़ी सब्जी ली है, थोड़ा दाल ली है, और एक पराठा मैंने लिया है रखा हुआ था सुबह वाला, और थोड़ा सा अचार लिया है। तो ये था हमारा अपना खाना आज का, और उसके बाद फिर मैं दूध गर्म करूँगी अपने लिए, और दूध गर्म करके मैं पास में रख लेती हूँ, लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बाद पी लेती हूँ। तो ये था आज का हमारा इस ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, और आप से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।